अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दिया विवादित आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको लेकर कहा कि उच्च शिक्षा विभाग आदेश को वापस लेगा जब लोकसभा विधानसभा में प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता तो छात्र को कॉलेज में प्रवेश लेने से भी नहीं रोका जा सकता है। न्यायालय में गुण दोष के आधार पर सजा तय होती है। ऐसे में लोकतंत्र में छात्र छात्राओं की ओर से लोकहितैषी मुद्दों के आंदोलन पर मामला दर्ज होते हैं। केवल अपराध दर्ज होने से छात्र को दाखिला लेने से नहीं रोक सकते। इसके अलावा मंत्री ने कमिश्नर को भी आदेश दिया है कि वह आदेश वापस लें। उच्च शिक्षा विभाग चूंकि 12th का रिजल्ट आ गया है, ऐसे में फर्स्ट ईयर के एडमिशन प्रारंभ कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व काल के कोई ऐसा नियम था जिस आधार पर अगर किसी विद्यार्थी का प्रकरण पंजीबद्ध है तो प्रिंसिपल चाहे तो उसको एडमिशन नहीं देगा। ये गलत कानून था, लेकिन इस कानून के बलबूते पर मुझे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने और अन्य लोगों ने संपर्क किया और कहा कि यह निर्णय अपने को बदलना चाहिए, तो मैं सहमत हूँ इस बात से और मैंने उच्च शिक्षा कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी पे अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध है किसी थाने में उससे किसी का भी प्रवेश रोका नहीं जाए, उनको सामान्य रूप से प्रवेश दिया जाए। प्रकरण चूंकि न्यायालय में जाने के बाद उसके गुणदोष के आधार पर सजा होती है, उसके बाद निराकरण होता है। केवल पंजीबद्ध मात्र से अगर किसी का प्रवेश रोकेंगे तो मुझे लगता है ये जाति होगी। लोकतंत्र में छात्र नेताओं पे कई बार ऐसे लोकहितैषी मुद्दों को लेकर जब वो आंदोलन करते हैं तो कई बार प्रकरण पंजीबद्ध होते रहे हैं, तो इसलिए इस आधार पर केवल पंजीबद्ध होने से जब लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता तो किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश रोकना ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर विद्यार्थी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और इस आधार पर उच्च शिक्षा विभाग सबको प्रवेश देने जा रहा है।